हेलो, आज हम आए हैं पिंपले निलख में और हम देखने जा रहे हैं एक 2 BHK का सैंपल फ्लैट जो एक एक्चुअल फ्लोर में है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ये आप देख सकते हैं। नियरिंग पोजीशन टावर है। यहाँ का ये एक सैंपल फ्लैट है जिसका कारपेट एरिया है 750 स्क्वायर फीट 750। चलिए देखते हैं। एंट्रेंस में आपको वीडियो डोरफोन सिस्टम मिलता है और ये ऐसे आप एंटर करते हैं आपके फ्लैट में। ये मेन एंट्रेंस डोर है, विनियर्स फिनिश 8 फीट हाइट डोर। और ये है आपका काफ़ी ब्यूटीफुल एल शेप में लिविंग कम डाइनिंग स्पेस, स्पेशियस लिविंग डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया 10.5 x 15 का है। ये आपका लिविंग एरिया है, 10.6 x 15 इसका डायमेंशन है। यहाँ पे आप अपना सोफा सेट रख सकते हैं इस हिसाब से। इस तरफ टीवी यूनिट का स्पेस है और ये है आपका डाइनिंग एरिया, 6 x 11 का, 6 x 11 इसका डायमेंशन है। यहाँ पे आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वीडियो डोर फोन स्क्रीन जो इंटरकॉम फैसिलिटी के साथ आएगा। सोसाइटी में अगर सीसीटीवी कैमरा है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे बन जाता है ये स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया। इस प्रोजेक्ट में 2 and 3 BHK फ्लैट्स है। 2 BHK 750 से लेकर 850 स्क्वायर फीट है, नियरिंग पोजिशन एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। 3 BHK 1120 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। 5 टावर का प्रोजेक्ट है। पिंपले निलख जैसे बेहतरीन लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का बैल्कनी, स्पेशियस अप्रोक्सीमेटली 10 x 6 का बैल्कनी है। ये यहाँ पे टफन ग्लास लगना बाकी है, आप देख सकते हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस प्रोजेक्ट का। ये बिल्डिंग का पोजीशन दिसंबर 2024 में है और हम जहाँ पे अभी है इस बिल्डिंग का पोजीशन आज से 4 महीने के बाद आपको मिल जाएगा। 80% नॉइस कैंसिलेशन के साथ ग्लास एंड विंडो, डोर्स एंड विंडोज के ग्लासेस दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं इस फ्लैट का किचन। किचन में आपको एल शेप में ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म मिलता है। किचन का डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली 9 x 9.5 का है, स्क्वायर शेप्ड किचन है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का पॉइंट और यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविजन बाहर दिया हुआ है। ये सिंक है यहाँ पे जहाँ पे PMC का वाटर कनेक्शन आएगा। प्रोजेक्ट PMC के अंडर है। इस तरफ आपको ड्राई बैल्कनी मिलता है और ड्राई बैल्कनी में एक एक्सटेंडेड सिंक और एक एक्सटेंडेड ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो ये सिंक में आप वेजिटेबल वॉशिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डिश वॉशिंग कर सकते हैं। इस तरफ में वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। काफ़ी ह्यूज ड्राई बैल्कनी है, अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं आप इस एरिया को। अप्रोक्सीमेटली 11 x 6 की बैल्कनी है, ड्राई बैल्कनी। डाइनिंग के ठीक पीछे पहला बेडरूम है फ्लैट का, चिल्ड्रन बेडरूम। 10 x 11 इसका डायमेंशन है चिल्ड्रन बेडरूम का, डिसेंट साइज चिल्ड्रन बेडरूम। इससे बड़े फ्लैट्स भी अवेलेबल है 850 स्क्वायर फीट का भी। ये 750 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे ग्लास विंडो स्लाइडिंग विथ ग्रिल्स एंड मॉस्क्यूटो नेट्स। और इस तरफ वॉश बेसिन बाहर के तरफ में दिया हुआ है। डाइनिंग टेबल के ठीक बाद अच्छे पोजीशन में है, आपके गेस्ट को वॉशरूम यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी। ये कॉमन वॉशरूम है, सारे फिटमेंट्स प्रोवाइडेड। और ये है आपका मास्टर बेडरूम, 10.5 x 12 इसका डायमेंशन है, अच्छे साइज का मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। यहाँ पे ग्लास विंडो
बाहर का एमिनिटी व्यू रहेगा इस मास्टर बेडरूम से इस फ्लैट के लिए। प्रोजेक्ट में सारे लग्जरियस एमिनिटीज प्रोवाइडेड है। 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें से 5 टावर्स है, 5 रेजिडेंशियल टावर्स, और ये वॉशरूम मास्टर बेडरूम को अटैच्ड। तो ऐसे बन जाता है ये 750 स्क्वायर फीट का फ्लैट। आगे की जानकारी के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे ऑफिशियल नंबर में जो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट कीजिए क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी प्राइम लोकेशन में है, ह्यूज डिमांड में है और अभी फेस्टिवल सीजन में कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जिसके बारे में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।